तो जो यार बात सिंपल सी है, अगर आपने वीडियो पे क्लिक किया है, आप महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हो एंड आपका इंग्लिश का पेपर 7 मार्च को होने वाला है एंड आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि भैया हमें इंग्लिश की पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी है, किस हिसाब से पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एंड हम सभी लोगों को इंग्लिश के पेपर में अच्छे मार्क्स कैसे लेके आना है, अच्छे मार्क्स मतलब 80+, 85+, 90+ कैसे स्कोर करना है। अभी मैंने खुद ने 86 स्कोर किया था एंड मैं आप सभी के साथ वही सेम स्ट्रेटेजी सीक्रेट हैक शेयर करने वाला हूँ जिन्होंने मेरी हेल्प की थी इंग्लिश के अंदर अच्छे मार्क्स लाने के लिए एंड बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स थे जो मैंने अपने क्लास 10 के टाइम पे किए थे, वही सारे मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। तो वीडियो एकदम शॉर्ट एंड सिंपल होने वाली है, मेक श्योर आप एंड तक देख रहे हो एंड जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आया, मुझे फर्स्ट टाइम देख रहा है, नीचे सब्सक्राइब बटन होगा उसे अभी कभी क्लिक कर लो बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इस टाइप के अमेजिंग वीडियोस फ्यूचर में आने वाले हैं। मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हो बिकॉज इंग्लिश के लिए वन शॉट राइटिंग स्किल वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। देखो अगर हम बात करें सबसे पहली चीज दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर इंग्लिश सब्जेक्ट। देखो ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपको आज से जो भी आप ये वीडियो देख रहे हो आपको आज से फॉलो करना चालू करना है। सबसे पहला पॉइंट है इंग्लिश लेसन। अब देखो आपके इंग्लिश के अंदर ना जो भी लेसन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, उन्हें स्किप कर देते हैं, बोलेंगे भैया पैराग्राफ आएगा उसके अंदर से देख के लिख देंगे। नहीं, दिस इज द रॉन्ग अप्रोच बिकॉज पैराग्राफ में से जो क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने लेसन को नहीं पढ़ा आपको आंसर लिखना नहीं जमने वाला है बिकॉज क्वेश्चन ही उस लेवल के आते हैं। अगर आपने सिर्फ पैराग्राफ पढ़ा आपको कहीं ना कहीं नहीं जमने वाला है वो चीज एंड आप सभी लोगों को लेसन को एकदम अच्छे से पढ़ के रख लेना है बिकॉज इस बात क्या है ना, लेसन पढ़ोगे आपका एडवांटेज होने वाला है बिकॉज जब आप लेसन पढ़ोगे आप सभी लोगों को समझ में आएगा कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है वो कम होने वाली है एंड आप सभी लोगों को लेसन को कैसे प्रिपेयर करना है, सबसे पहले तो वॉच लेक्चर्स, जो भी यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स है इंग्लिश के लिए आप उन्हें जाके फॉलो कर सकते हो एंड आफ्टर दैट आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग एकदम अच्छे से कर लेना है एंड आप आज से लेसन को पढ़ना चालू कर दो। एंड देखो इस वीडियो के ऊपर पूरे 501 लाइक कैम रखते हैं, अब भी कभी लाइक बटन को दबा के मारो एंड शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। उसके बाद में गाइस पोएम्स, अब जो पोएम्स है ना उन सारे पोएम्स को ए टू जेड जितने भी पोएम्स हैं सारे पोएम्स को एकदम अच्छे से समझ लो बिकॉज जब तक आप लोग पोएम्स को नहीं समझने वाले हो आपको अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले हैं बिकॉज पोएम्स के अंदर जब तक आप लोग समझोगे नहीं, पोएम्स को अंडरस्टैंड नहीं करोगे आप आंसर नहीं लिख पाओगे, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। मेक श्योर आप सारे पोएम्स को एकदम अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो एंड जो एप्रिसिएशन होता है पोएम्स का उन सबको एकदम अच्छे से याद कर लो। अब आपको एप्रिसिएशन के लिए अलग से एक वीडियो चाहिए तो अभी कभी कमेंट करो यस एंड एक हार्ट वाली मुझे डाल देना, मैं सारे पोएम्स का एप्रिसिएशन आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा। मेक श्योर आप कमेंट कर रहे हो। उसके बाद में गाइस ग्रामर, ग्रामर का प्रैक्टिस कैसे करना है, तो देखो आप सभी लोगों को ग्रामर की जो प्रैक्टिस है वो आज से चालू करना है एंड कैसे करना है, सबसे पहले तो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी ग्रामर है लेसन का उन्हें एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लो। आफ्टर दैट गाइस आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, पिछले 5 साल के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उन सबको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लो बिकॉज इस बात क्या है ना, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके रिलेटेड वही सेम डिफिकल्टी लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड अगर आप लोग पीओआईक्यूज को एकदम अच्छे से कर रहे हो आप यही पे 70-80% प्रिपरेशन अपने इंग्लिश के पेपर के लिए कर लोगे। उसके बाद में गाइस एंड जो आपके नोट्स हैं, जो भी आपको 21 सेट हो, नवनीत हो, टारगेट हो, आपको जो भी नोट्स हैं उनको एकदम अच्छे से रेफर करो, उनके अंदर जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए उन्हें एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करो। एंड देखो मैं आप सभी को एक और इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है काफी ज्यादा मैटर करता है इंग्लिश के पेपर के अंदर। अब आप लोग बोलोगे भैया टाइम मैनेज कैसे करना है, तो देखो टाइम मैनेजमेंट के लिए अलग से वीडियो आने वाली है, मेक श्योर आपने सब्सक्राइब करके रखा है, काफी जल्द वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। एंड देन गाइस जो आपका राइटिंग स्किल्स है, राइटिंग स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके पूरे पेपर के अंदर, ये जो राइटिंग स्किल वाला सेक्शन है टोटल 30 मार्क्स कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो आप सभी लोगों को राइटिंग स्किल्स को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। सबसे पहले तो रीड एग्जाम्पल्स, अब देखो फिर चाहे आपकी पीआईक्यूज हो या फिर आप कोई वेबसाइट पे एवरग्रीन टॉपिक्स देख रहे हो, आप सभी लोगों को वो जो एग्जाम्पल्स है एकदम अच्छे से रीड कर लेना है, समझ लेना है कि अगर समझो इस टाइप का क्वेश्चन आया तो हमें क्या कंटेंट को लिखना है या फिर किस हिसाब से आंसर लिखे जाते हैं, उनकी जो लेंथ है वो किस हिसाब से होती है। उसके बाद में गाइस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अब देखो ग्रामर के अंदर ना प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज सभी जाके आपकी स्पीड बढ़ने वाली है, आपको समझ में आएगा बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपको किस हिसाब से लिखना है एंड तो जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको अच्छे से नहीं जमने वाला है ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स। तो राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस एकदम अच्छे से कर लेना है। राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस कैसे करना है, देखो आप सभी लोग जब भी प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करोगे ये वाले पॉइंट पे भी हम आने वाले हैं, बट उससे पहले राइटिंग स्किल्स आपको एकदम अच्छे से कर लेना है। एंड देन गाइस चूज क्वेश्चंस, अब आप लोग बोलोगे भैया ये क्या बात हुई, देखो आपके राइटिंग स्किल के अंदर आपके पास ऑप्शंस होते हैं आपको कौन से राइटिंग स्किल के टॉपिक को ऑप्ट करना है, फॉर एग्जांपल फॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल लेटर हो गया, इन दोनों में से कोई एक लिखना है, या फिर वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल, इन दोनों में से आपको कोई एक लिखना है, तो आपको अभी से चूज कर लेना है। एंड देखो इसका बिल्कुल टेंशन मत लो, आप सभी लोगों को एक स्पेशल वीडियो के अंदर उसके अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आपको कौन से क्वेश्चन को ऑप्ट करना है एंड आप कौन से क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मेक श्योर आपने सब्सक्राइब करके रखा है एंड आप लोग एक्टिव हो चैनल के साथ। देखो मैं आपको अभी से एकदम जेन्युइनली बोल रहा हूँ हर एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मेक श्योर आपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे क्लिक किया है। एंड देखो यार वीडियो देखोगे आपकी हेल्प होगी, आपको गाइडेंस मिलेगा अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए।
आफ्टर दैट गाइस कुछ ऐसे सीक्रेट हैक्स जो आपकी हेल्प करेंगे इंग्लिश के पेपर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। सबसे पहले तो गाइस जो आपका पेपर पैटर्न है आपको उसे एकदम अच्छे से समझ लेना है, रट लेना है। बिकॉज पेपर पैटर्न क्यों समझना है, बिकॉज तभी जाके आपको टाइम मैनेजमेंट जमने वाला है। आपको ये वाले क्वेश्चन को, ये वाले सेक्शन को इतने टाइम के अंदर सॉल्व करना है। आफ्टर दैट आपका जो पोएट्री वाला सेक्शन है इसके अंदर आपको इतना टाइम लगना चाहिए। एंड आप सभी को पता होना चाहिए यार ये वाला क्वेश्चन आने वाला है, इसको आपको कैसे प्रिपेयर करना है। अब मैंने खुद ने मेरे क्लास 12th के लिए जो इंग्लिश का पेपर था उसके लिए सेम ऐसे ही प्रिपेयर किया था कि जो हमारा सेक्शन नंबर 1 है उसके लिए मैं ये सब पढ़ लूंगा, सेक्शन नंबर 3 के लिए मैं यहाँ से प्रैक्टिस करूंगा, ये सारी चीजें पढ़ लूंगा। आप कैसे कर पाओगे जब आपका पेपर पैटर्न आपको एकदम क्लियर होगा। अगर आपको पेपर पैटर्न के लिए वीडियो चाहिए दो बार कमेंट कर देना यस एंड एक हार्ट वाले इमोजी, मैं समझ जाऊंगा। पेपर पैटर्न के लिए भी वीडियो बहुत जल्द आनी है एंड देखो लाने वाला हूं मैं, डेफिनेटली लाने वाला हूं। मेक श्योर आप सभी लोग एक्टिव हो चैनल के साथ। आफ्टर दैट गाइस गिव प्रैक्टिस पेपर्स मिनिमम 3 to 5। आपके जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन के अंदर, खासकर लैंग्वेजेस के लिए। बिकॉज प्रैक्टिस पेपर से आपको एक प्रैक्टिस होगी कि इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, आप लोग यूज्ड हो जाओगे वो क्वेश्चन से, प्रैक्टिस पेपर के क्वेश्चन से। एंड आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस रहेगा, हाँ भाई मैं प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करके आया हूँ, मेरे को अच्छे मार्क्स मिले थे, एंड मैं बोर्ड एग्जाम्स को भी एकदम अच्छे से फोड़ फाड़ के आने वाला हूँ। समझ रहे हो आप सभी लोग, आपको इसी तरह से एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करना है। एंड आफ्टर दैट गाइस द लास्ट पॉइंट इज एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं आपको उन्हें एकदम अच्छे से एनालाइज कर लेना है, बिकॉज तभी जाके आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड आपको हर एक क्वेश्चन को कैसे प्रिपेयर करना है। मेक श्योर गाइस आप ये सारी चीजों को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। एंड देखो ये वाले पेज का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी कभी जाके ज्वाइन कर लेना। जो भी फर्स्ट टाइम देख रहा है अभी कभी सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। आपके स्क्रीन के ऊपर एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक आ गया होगा, अभी कभी जाके फॉलो करो। टिल द टाइम गाइस बाय बाय।